दोस्तों, रिसेंटली आपने देखे हैं कई गेमिंग स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं जहां पर आपको मिले हैं टॉप ऑफ द लाइन गेमिंग स्पेसिफिकेशंस और इसी के साथ उनका प्राइस भी बहुत ज्यादा था। और उसी जगह को फिल करने के लिए आ गया है Xiaomi का डेडिकेटेड गेमिंग फोन जो कि है ब्लैक शार्क 4। यहां पर आपको गेमिंग के सारे तरह के फीचर मिलेंगे और वो भी एक बहुत ही कम प्राइस पर। पर उसी के साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमें कैसा मिलता है गेमिंग एक्सपीरियंस भी इस फोन पर। और आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों ब्लैक शार्क 4 की अनबॉक्सिंग और साथ ही देखेंगे इसका फर्स्ट इंप्रेशन भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है ब्लैक शार्क 4 का बॉक्स, एकदम टिपिकल ब्लैक शार्क का बॉक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शार्क का लोगो भी बनाया हुआ है और यहाँ पर दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में है हाईरेज ऑडियो का लोगो भी, जो कि आपको हर एक Xiaomi के फ्लैगशिप मोबाइल में देखने को मिलता है। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ ब्लैक शार्क का लोगो मिलता है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। पीछे की तरफ बात करते हैं, ये है हमारे पास एक ब्लैक शार्क का ग्लोबल वेरियंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ब्लैक शार्क 4 12GB 256GB, ये मिरर ब्लैक कलर में आता है। तो चलिए अब हम ओपन करते हैं ब्लैक शार्क 4 के बॉक्स को। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें एक पेपर फोल्डर देखने को मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ है बड़े से ब्लैक शार्क, इसको हम बगल में रखते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ब्लैक शार्क 4, इसे हम साइड में रखते हैं। नीचे यहाँ पर ये कार्ड मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ है गेम इज रियल और यहाँ पर सारे स्पेसिफिकेशंस भी दिए हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इस पेपर स्लीव में क्या है। सबसे पहले हमें मिलता है एक सिम इजेक्टर पिन और उसके अंदर हमें मिलता है ये केस भी जो कि एक हार्ड मटेरियल से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है बट पूरी तरह से प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा, आप देख सकते हैं। और इसके ठीक नीचे हमें मिलता है ये 67 वॉट का बड़ा सा अडैप्टर भी और साथ ही यहाँ पर हमें मिलता है एक USB A to USB C केबल भी। और यहाँ पर आपको मिलता है ब्लैक शार्क 4 का बुकलेट और साथ ही मिलते हैं कुछ ब्लैक शार्क के स्टिकर भी। चलिए अब इन सब चीजों को यहाँ से हटा देते हैं और फोकस करते हैं ब्लैक शार्क 4 फोन पर। चलिए दोस्तों निकालते हैं ब्लैक शार्क 4 को रैपर से बाहर। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही प्रीमियम है इसका बिल्ड, बहुत ही अच्छा है और पीछे यहाँ पर आपको एक्स का ग्रेडियंट फिनिश भी देखने को मिलता है। तो चलिए अब स्विच ऑन करते हैं ब्लैक शार्क फोन को। ये आ गया ब्लैक शार्क का लोगो और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमने सेटअप कर लिया इस फोन को। अब चलते हैं इसके मेन स्क्रीन पर तो देखिए कैसा गेमिंग लुक आ रहा है, इसका वॉलपेपर भी बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लैक शार्क 4 का स्क्रीन है वो पूरी तरह से फ्लैट है, कहीं पे भी कोई भी कर्व नहीं है। और यहाँ पर हमें मिलता है एक 6.67 इंच का सुपर एमोलेड स्क्रीन जहां पर आपको मिलता है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और साथ ही यहाँ पर होगा HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी। इस 6.67 इंच के सुपर एमोलेड स्क्रीन पे आपको मिलेगा 500 निट्स तक की ब्राइटनेस और यहाँ पर 1300 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस आपको मिलेगी, जिससे कि आपको गेमिंग में बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों, एकदम स्मूथ गेमिंग मिलेगी आपको। यहाँ पर ब्लैक शार्क 4 में आपको मिलता है एक सुपर एमोलेड स्क्रीन जिसकी वजह से देख सकते हैं डार्क मोड में एकदम जबरदस्त डार्क ब्लैक कलर आपको देखने को मिलता है। ब्लैक शार्क 4 में आपको मिलता है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव है इसका स्क्रीन। और यहाँ पर अल्टीमेट रिफ्रेश रेट है जो कि है 144 हर्ट्ज का, उसके साथ ही अल्ट्रा हाई का ऑप्शन भी मिलेगा जो कि है 90 हर्ट्ज का और स्टैंडर्ड में यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये ब्लैक शार्क फोन बहुत ही जबरदस्त है, हाथ में पकड़ने में एकदम प्रीमियम फील होता है और गेमिंग फोन के हिसाब से हर तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करें तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपको सबसे ज्यादा चीजें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एक ऑन ऑफ बटन जो कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और यहाँ पर दो और बटन आप देख सकते हैं जिसे आप स्लाइड कर सकते हैं और इसको स्लाइड करते ही यहाँ पर एक जबरदस्त साउंड आता है और यहाँ पर पॉपअप करते हैं दो एयर ट्रिगर भी। ये एयर ट्रिगर बहुत ही कमाल के हैं। और अब हम बात कर लेते हैं फोन के ऊपरी पार्ट का। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेंगे स्टीरियो स्पीकर्स और उसके साथ यहाँ पर सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा एक सिम ट्रे, उसके ठीक बगल में है एक माइक और उसके नीचे मिलेगा आपको वॉल्यूम रॉकर की। ब्लैक शार्क 4 में आप सिर्फ डुअल सिम ही लगा सकते हैं, यहाँ पर आप एक्सटर्नली मेमोरी को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर हम फोन के बॉटम की बात करें तो सबसे पहले हमें मिलता है एक माइक, उसके बगल में ही हमें मिलता है 3.5mm जैक, बगल में है टाइप सी का पोर्ट और है एक माइक ग्रिल भी। यहाँ पर आपको ब्लैक शार्क 4 में स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे जिससे कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये तो हो गया फोन का फिजिकल ओवरव्यू दोस्तों।
और दोस्तों अब हम बात करेंगे ब्लैक शार्क 4 के कैमरा के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आपको ब्लैक शार्क 4 में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। जो पहला कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का, यहाँ पर आपको मिलेगा f1.8 का एपरेचर। और जो दूसरा कैमरा है यहाँ पर वो है 8 मेगापिक्सल का f2.2 एपरेचर के साथ अल्ट्रा वाइड कैमरा। और तीसरा है यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। और इसके साथ ही यहाँ पर बगल में आपको देखने को मिलेगा एक LED फ्लैश भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैमरा तो इसका बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर फोटो में आपको मैक्रो शॉट्स और दूसरे सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर वीडियो की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप 1080p 60fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके साथ ही 4K 60fps पर भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर इस कैमरा में प्रो मोड भी अवेलेबल है और बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे यहाँ पर मिला व्लॉग मोड, यहाँ पर आप बहुत ही छोटे छोटे बर्स्ट मोड में वीडियो शूट कर सकते हैं और उससे बाद में एक अच्छा सा व्लॉग बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं ब्लैक शार्क 4 के कुछ कैमरा सैंपल्स भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका कैमरा बहुत ही जबरदस्त है और यहाँ पर एकदम नेचुरल कलर से शूट कर रहा है। यहाँ पर आप इन फोटोज में देख सकते हैं कि कैमरा ने शार्पनेस और डिटेल्स का पूरा ध्यान रखा है। एक गेमिंग फोन के कैमरे के हिसाब से दोस्तों मैं तो कहूंगा कि ब्लैक शार्क 4 का कैमरा बहुत ही जबरदस्त है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यह है ब्लैक शार्क 4 के फ्रंट कैमरे से लिया गया वीडियो। हेलो दोस्तों, ये वीडियो ब्लैक शार्क 4 के रियर कैमरे से लिया हुआ वीडियो है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक शार्क 4 के परफॉर्मेंस की। यहाँ पर ब्लैक शार्क 4 में आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर जो कि 7 नैनोमीटर चिपसेट पर बना हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको मिलेगा एड्रीनो 650 GPU भी, जिससे कि आपकी गेमिंग तो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। और दोस्तों ब्लैक शार्क 4 में आपको मिलेगा 12GB का LPDDR4X RAM जो कि सुपर फास्ट होगा और उसके साथ ही है 256GB का UFS 3.1 अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज, जिससे कि आपकी गेमिंग तो बहुत ही फास्ट होगी और उसके साथ एप्स भी बहुत ही फास्ट लोड होंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही फास्ट यहाँ पर सारे एप्स लोड हो रहे हैं और रोजमर्रा के काम में ये एप्स बहुत ही फास्ट लोड होंगे। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं थोड़ी सी गेमिंग भी इस फोन पर और देखते हैं कि कैसा है परफॉर्मेंस इस फोन का। हेडशॉट मजेदार। ब्लैक शार्क 4 में आपको एक स्पेशल गेमिंग UI देखने को मिलेगा जिसका नाम है जॉय UI। ये डिजाइन किया हुआ है सिर्फ गेमर्स के लिए, इसके वजह से आपको गेमिंग की काफी सारे फैसिलिटीज देखने को मिल जाती हैं इस फोन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉय UI को बहुत ही अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है कि गेमिंग ट्रिगर्स को सिर्फ आप गेमिंग के लिए ही नहीं बाकी बहुत सारे दूसरे कामों के लिए भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉय UI को काफी डिफरेंटली डिजाइन किया गया है। अगर आप यहाँ से राइट साइड से स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको टॉगल स्विचेस देखने को मिलेंगे और अगर आप यहाँ से लेफ्ट साइड से स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक शार्क 4 का फिंगरप्रिंट स्कैनर भी कितना फास्ट है, बस टच करने के साथ ही ये फोन को अनलॉक कर दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका स्क्रीन बहुत ही जबरदस्त है, तो इसमें कंटेंट कंज्यूम करने का तो एक अलग ही मजा आएगा। और जब आप ब्लैक शार्क 4 पे YouTube या किसी और तरह के वीडियो को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके साथ ही बहुत सारे और भी ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं ब्लैक शार्क 4 के ऑडियो को भी और देखते हैं कि कैसा है इसका ऑडियो परफॉर्मेंस। तो दोस्तों यहाँ पर ब्लैक शार्क 4 का स्पीकर परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा था, इसके स्पीकर्स बहुत ही कमाल काम कर रहे हैं, गेमिंग के टाइम पे आपको एकदम मजा ही आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बैटरी की बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपको 4500 mAh की बैटरी और उसके साथ ही आपको मिलता है एक 67 वॉट का फास्ट चार्जर भी, जिससे आप बहुत ही फास्ट इसे चार्ज कर सकते हैं। और साथ ही ये 4500 mAh की बैटरी आपको एक पूरा दिन का बैकअप बहुत ही आराम से दे देगी। तो चलिए दोस्तों अब हम कर लेते हैं इस फोन के कुछ बेंचमार्क टेस्ट भी। तो सबसे पहले हम करेंगे अंतुतु बेंचमार्क टेस्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक शार्क 4 को मिला है 534,539
जो कि यहाँ पर अबव एवरेज स्कोर। तो अब हम देख लेते हैं ब्लैक शार्क 4 के गीक बेंच रिजल्ट। सिंगल कोर में ब्लैक शार्क 4 को मिला है 1114 का स्कोर और मल्टी कोर में मिला है 3385 का स्कोर। तो दोस्तों, अगर आप ब्लैक शार्क 4 के बारे में मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन पूछना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक बहुत ही जबरदस्त गेमिंग फोन है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा था। इस फोन की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको मिलता है 144 हर्ट्ज की एमोलेड स्क्रीन और उसके साथ ही यहाँ पर मिलते हैं स्टीरियो स्पीकर्स भी, जिससे कि आपको एक कमाल का गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर कैमरा भी बहुत ही अच्छा है, गेमिंग फोन के हिसाब से तो इसका कैमरा बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर आपको मिलती है फास्ट चार्जिंग भी। तो ये फोन अगर आपको दुबई से चाहिए तो ये आपको मिलेगा एक्सक्लूसिवली केलिमी स्टोर पर। इस स्टोर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी दूसरे क्वेश्चन हैं तो दोस्तों, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आप वहां पर मुझे फॉलो भी कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम का पेज है टेक्नोलेजेंड ऑफिशियल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के टेक वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नए टेक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।